तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई बंधुओं, तुम सबका स्वागत करता हूँ मैं तुम्हारे अपने चैनल ब्लैक गेमिंग पे। तो गाइस यार, आज हम लोग पता है क्या खेलने वाले हैं? तुम लोग जरा खुद सोचो कि आज हम लोग क्या खेलने वाले हैं। अरे सोचो यार, तुम सोचते नहीं हो, फटाफट से सोचो। अबे साले, अरे यार मैं अभी कितना बड़ा ढक्कन हूँ भाई। मैंने तो भाई थंबनेल में वीडियो लगाई थी, मतलब वीडियो नहीं, फोटो लगाई थी। और भाई तुम्हें तो पता ही हुआ कि आज हम लोग खेलने वाले हैं वन ब्लॉक। हाँ जी, आज हम लोग वन ब्लॉक वापस से खेलने जा रहे हैं। अब तुम में से कई सारे लोग कहेंगे, ए विलेज क्यों इतनी जल्दी इसके एपिसोड को लेके आ रहा है, इतनी जल्दी तू अभी अपनी वीडियो भी नहीं डालता था, अब तो इतनी जल्दी कैसे डाल देता है। भाई देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो सीरीज है ये बहुत ही ज्यादा एपिक जाने वाली है। और खैर, ये जो स्काई ब्लॉक मतलब वन ब्लॉक है ना, इसे खेलने में मेरे को बहुत ही ज्यादा मजे आ रहे हैं। और गाइस यार, आज भी हम लोग वन ब्लॉक के अंदर में बहुत ही ज्यादा मजे करने वाले हैं। और गाइस, मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों को भी इस सीरीज के अंदर में मजे आ रहे होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें आ रहे हैं। और अगर आ रहे हैं तो नीचे एक बार ओपी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। और बाकी यार देखो, मैंने लास्ट एपिसोड में तुम सबसे कहा था कि भाई तुम लोग जो है 200 लाइक्स जैसे ही कंप्लीट कराओगे तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। तो भाई देखो, तुम लोगों ने 200 लाइक्स कंप्लीट करा दिए, तो भाई मैं यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इतनी जल्दी करा दी। और भाई तुमने उसी दिन करा दिए थे। तो भाई देखो, आज हम लोग लाइक गोल रख रहे हैं पूरे के पूरे 300 लाइक्स का। हाँ गाइस, 300 लाइक्स का रख रहे हैं, इतना बड़ा कभी नहीं रखा, पर आज रखा है तो फटाफट से कंप्लीट करा देना। और जैसे ही कंप्लीट होगा तो कुछ ना कुछ अलग हम लोग करने वाले हैं, तो उसके लिए वेट करना। तो भाई देखो, अभी मैंने तुम्हारा लगभग 1.5 मिनट खा लिया है, मतलब खा क्या लिया है तो मैं बता दिया है। तो चलो फटाफट से खेलना भी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। गाइस देखो, तुम लोगों को शायद याद होगा कि यार लास्ट टाइम हमें जो है हमें मिले थे 2 कुत्ते, यानी कि 2 डॉग्स। तो भाई देखो, मैंने उन्हें टेम कर लिया ऑफलाइन बैठ कर। देखो आज हमारे सामने वापस से आ चुका है वॉन्डरिंग ट्रेडर, जिसके मैंने लामा को मारा वो मुझे मारता है। और देखो ये कुत्ते अब इसको मार के खत्म कर देंगे। ये बेचारा क्यों जा रहा है, वो बेचारा अकेले फाइट कर रहा है, तो भाई इसे ही मारते हैं। और क्या पता अब ये आ जाए। अरे भाई जाना जा क्यों नहीं रहा भाई ये, इसने क्या इससे शायद मैंने हड्डी वड्डी कम खिलाई होगी यार, पता नहीं क्या दिक्कत है। पर कोई नहीं, इस वाले कुत्ते ने सबको मार दिया। और यहाँ देखो, ये देखते हैं क्या डील कर रहा है भाई, ये वापस से बेकार की डीले कर रहा है, बिल्कुल आलू पकौड़े की तरह। तो भाई इसको मारना पड़ेगा अब। तो भाई यहाँ पे मेरे पास कोई तलवार नहीं है, कुत्ता इसे मार देगा। और देखो इसे मारने, देखो सब आते हैं इसे, देखा इसलिए इसे सब लोग मारते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो, क्योंकि इसे मारने में सबको मजा आता है और मेरे कुत्तों को भी आता है। तो भाई चलो, अब फाइनली एक बार इन्हें बैठा देते हैं ताकि भाई आराम से बैठ जाएं। और यहाँ देखो गाइस, मैंने जो है थोड़ी बहुत बाउंड्री वगैरह बना लिए, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ी बहुत वुड वगैरह आ गई थी। और भाई देखो, आज हम लोग इसी पूरे एरिया को भरने भी वाले हैं, और साथ साथ में जो हमारा बायोम चल रहा था स्नो बायोम, उसे भाई आज हम लोग पूरा कंप्लीट कर देंगे स्नो फेस को, ताकि भाई हमें अपना नेक्स्ट फेस भी देखने को मिले। और मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि हमारा नेक्स्ट फेस कौन सा होने वाला है, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ अब। और भाई देखते हैं कौन सा नेक्स्ट फेज होगा। बाकी यार तुम लोग अभी इसी टाइम वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट फेज कौन सा होने वाला है, कोई चीटिंग वगैरह मत करना। पर चले आगे जाके वीडियो करके देखो और मुझे बता दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। और भाई बता दो फटाफट से। तो देखो भाई, यहाँ माइनिंग करनी स्टार्ट कर दी, और यहाँ देखो फॉक्स आ चुके हैं वापस से। और गाइस देखो, हमें फॉक्स लास्ट टाइम भी मिली थी, पर लास्ट टाइम वो बेचारी नहीं रही, तो भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो चलो यार फटाफट से जो है माइनिंग वापस से कंटिन्यू करते हैं। और गाइस देखो, यहाँ जो है ना शवल का यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि जो शवल है उससे हमें जो यहाँ पे स्नो बॉल्स मिल जाती हैं। तो इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे माइनिंग करते हैं। और भाई आज मैं इसको ख़त्म करके ही रहूँगा, पहले मैं इसी को ख़त्म करूँगा, फिर आगे हम लोग भाई कुछ काम करेंगे। हम यहाँ पे एक और डॉग वापस से वाला, देखो ये एक हड्डी में टेम भी हो गया, तो फटाफट से इसे लेके चलते हैं हम लोग बाकी डॉग्स के पास में। और भाई इसे ना इनके संग ही बैठाएंगे, और मेरे को लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गैंग बन जाएगी वैसे। तो देखो यहाँ पे 3 तो हो चुके हैं भाई, हम 300 कर लेंगे भाई, ज़्यादा बोलती है शायद मैंने, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे काम करते हैं, वापस से माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार देखो वन ब्लॉक है, तो भाई माइनिंग के अलावा हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। और आज मैंने वैसे भी कसम खाई है कि मैं इसे पूरा ख़त्म करके रहूँगा। और अगर तुम्हें इसे देखिए लास्ट एपिसोड याद आ रहा है ना, तो भाई सही याद आ रहा है, क्योंकि देखो अगर जिसने लास्ट एपिसोड जाके नहीं देखा उसे नहीं पता होगा कि लास्ट एपिसोड में मेरे संग क्या हुआ था, तो भाई जाके देख लो, अगर वैसे तुमने अभी देख ही लिया तो कोई नहीं, इस वीडियो के बाद में जाके देख लेना, क्योंकि यार वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एपिसोड था, लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। जिन्होंने देखा है भाई एक बार ज़रा कमेंट में बताओ कि वो कितना ज़्यादा बढ़िया एपिसोड था, क्योंकि यार मेरे को तो उसे खेलने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया था और वीडियो बनाने में भी। तो फटाफट से वापस से माइनिंग कंटिन्यू करते हैं।
tomorrow. तो गाइस फाइनली वी डिड इट. और भाई देखो यहाँ पे वाला फेज हमारा खत्म हो चुका है. और गाइस पता नहीं अब कौन सा फेज आने वाला है. बस 19 सेकंड्स और 13 सेकंड्स, पता नहीं कितने सेकंड निकल गए. और भाई यहाँ पे फटाफट से भाई मेरे को वेट नहीं हो रहा. यहाँ पे फटाफट से नया फेज आया. भाई मैं चाहता हूँ कि कोई बढ़िया सा फेज ही आए. तो क्या देखो अब मेरे को अपना घर वगैरह भी बनाना है बहुत जल्द. तो यहाँ पर देखते हैं भाई. भाई ये तो हमारा डेजर्ट फेज है. मतलब क्या ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है. क्योंकि अगर तुम्हें नहीं पता हो तो मैं बता दूँ कि डेजर्ट फेज का मतलब है यहाँ पे हमें मिलेंगे भाई खूब सारे के सारे सैंड. और भाई उन सब लोग बना पाएंगे खूब सारे ग्लासेस. तो भाई मतलब हमारा घर भी बन पाएगा बढ़िया सा. और भाई यहाँ पर जो है हमें आयरन वगैरह भी मिल सकता है. और चाहे तो लूट वगैरह भी हमें यहाँ पे मिल सकती है. क्योंकि देखो हमारे डेजर्ट बायो में होता है डेजर्ट टेम्पल. और डेजर्ट टेम्पल का मतलब होता है बढ़िया लूट. तो भाई हो गया ना बढ़िया बात. तो भाई देखते हैं क्या मिलता है. वैसे इसमें अभी मैं इसमें माइनिंग नहीं करने वाला. और यहाँ तो मैं याद हो तो लास्ट टाइम मेरे को एक लावा बकेट और एक वाटर बकेट मिली थी. तो भाई देखो वाटर बकेट तो हम लोग बाद में यूज़ करेंगे. पर यहाँ पे हम लोग पहले ब्लू आइस और ड्राई आइस का यूज़ करेंगे. पहले मैं देखता हूँ कि इनमें से किससे जो है हमें पानी देखने को मिलता है. क्योंकि यार मैं चाहता हूँ कि मैं आज बना लूँ अपने लिए एक कॉबल स्टोन का जनरेटर. ताकि भाई यहाँ पे जो है हम लोग भाई कॉबल स्टोन खूब सारा ले सकें. और जितने हमारा एरिया उसको हम लोग एक्सपेंड वगैरह कर सकें. तो फटाफट से इसे बनाते हैं. क्योंकि यार देखो मेरे को लास्ट टाइम बहुत सारी चीज़ें मिली थी. तो इसलिए अगर तुमने नहीं देखे हैं एपिसोड तो जाके देख लो, वापस कह रहा हूँ. तो बस चलो फटाफट से बनाते हैं इसे. और यहाँ पहले इसे तोड़ना पड़ेगा. तो यहाँ लगा दिया और यहाँ लगाते हैं. और भाई तोड़ते हैं फटाफट से. अनलिमिटेड वाटर सोर्स बन जाएगा हमारा. और यहाँ पे तोड़ा मैंने इसे, पर इसने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं भाई. ये तो स्कैम हो गया. पर कोई बात नहीं यार, यहाँ पे हमारे पास पैक्ड आइस भी है. तो वो हम लोग फटाफट से लेते हैं. तो भाई पैक्ड आइस ले लिया मैंने. क्या पता इससे हमारा काम हो जाए. तो यहाँ पे फटाफट से रखते हैं और तोड़ते हैं. भाई फिर से कुछ नहीं हुआ भाई. क्या ही होता है भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा. अगर तुम्हें बताओ कि भाई कैसे कैसे करना है तो एक बार ज़रा नीचे मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना. क्योंकि अनलिमिटेड वाटर सोर्स मेरे को बहुत ही ज़रूरी है. तो बता देना. अब फटाफट से काम करता हूँ भाई. वाटर बकेट का यूज़ करना पड़ेगा. तो चलो चलते हैं अपने किसी आयरन वगैरह पे और वहीं पे बनाते हैं इसे. तो गाइज मैंने अभी यहाँ पे टेम्प्रेरी सा बना दिया कॉबलस्टोन का जनरेटर. तो भाई फटाफट से इसे यूज़ करते हैं. और गाइज देखो ये बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे वर्क भी कर रहा है. तो भाई चलो अब एक काम करते हैं. पहले ना खूब सारे कॉबलस्टोन हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं. और फिर जितनी मैंने बाउंड्री वगैरह बना रखी है तो मैं दिखाई थी मैंने जो शुरुआत में, भाई उसे हम लोग पूरा फिलअप कर लेंगे. और फिर हमारा जो आइलैंड है वो कितना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा एकदम मस्त तरीके से. तो फटाफट से इस काम को करता हूँ. और गाइज जब तक मैं इस वाले काम को कर रहा हूँ तो भाई तुम लोग मुझे जरा दो बातें बताओ कि भाई मेरे को अपनी वीडियोस जो है कितनी लंबी बनानी चाहिए. और साथ साथ में मुझे और कौन कौन से नए गेम्स को ट्राई करना चाहिए जो कि तुम लोग चाहते हो. भाई मैं वही करूंगा. और वीडियो की लेंथ के बारे में प्लीज मुझे जरूर से बताना. The next morning. तो गाइस फाइनली बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद में भाई दो पिकेक्स खर्च करने के बाद में मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया कन्वर्ट कर लिया अपने कॉबलस्टोन के एरिया में. और गाइस देखो ये कितना ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. और गाइस देख रहे हो कितना ज़्यादा भाई ये बड़ा भी है. तो भाई अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं स्काई ब्लॉक में. और गाइस मैंने ना इसे थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन देने की कोशिश करी है थोड़ा सर्कुलर टाइप में. क्योंकि क्या देखो हम लोग हर चीज़ को स्क्वायर में बनाते हैं यार, वो तो हर कोई करता है. पर मैं सोचा थोड़ा बहुत सर्कुलर करते हैं. और गाइस देखो मैं इसी तरीके से ना यहाँ पे और भी सर्कल्स बनाने वाला हूँ. तो पहले एक काम करता हूँ, यहाँ थोड़ा बहुत फेंसिंग वगैरह हम लोग कर लेते हैं जितने हम लोग कर सकते हैं. और गाइस उसके बाद ना मेरे पास एक और आइडिया है कि यहाँ पर ना मेरे पास जितने भी स्नो के वो है ना स्नो बॉल्स, उनके हम लोग स्नो ब्लॉक बना के एक स्नो वाला आइलैंड भी हम लोग पूरा बना लेते हैं. तो भाई देखते हैं वो भी कैसा लगेगा. तो फटाफट से चलते हैं अपने मेन वाले जगह पे. और वहाँ से जितनी स्नो बॉल है सारी की सारी हम लोग उठा के इनके स्नो ब्लॉक बना के पूरा एरिया स्नो का करने की कोशिश करते हैं. तो चलो भाई फटाफट से लेते हैं सारा सामान. तो गाइज मैंने यहाँ पे सारी की सारी स्नो ले ली. और भाई देखो अब मैं सोच रहा हूँ कि जो छोटा सा एरिया है पहले हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कैसा लगने वाला है. और गाइज मेरे को लग रहा है कि ये वाला एरिया भी शायद ही पूरा कंप्लीट हो पाएगा. क्योंकि यार ये जो स्नो ब्लॉक्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कम बने हैं भाई. क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास दो स्टैक के लगभग ही हुए हैं. और भाई देखो मैं सोच रहा था कि बहुत ही बड़ा आयरन हम लोग बनाएंगे, पर ये तो कमी पड़ गया. या मेरे को कुछ ना जुगाड़ वगैरह सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ना हम लोग कितना मतलब इसे डबल वगैरह कर सकते हैं कि भाई इसके वजह से हम लोग जो अपना पूरा आइलैंड वगैरह कवर कर पाएँ. तो भाई मेरे को थोड़ा बहुत दिमाग वगैरह लगाना पड़ेगा. तो चलो वो भी लगाएंगे. वैसे यार देखो मैंने इतना एरिया भी करा है तो मेरे को अभी से ठंड लगने लग रही है. अबे साले ऐसे तो नहीं होता है. अरे भाई भाई गाली मत दिया करो भाई, तुम हर चीज़ में भाई मेरे को भाई मतलब डांटते रहते हो. तो भाई देखो यहाँ पे देखते हैं पूरा हो भी पाएगा या फिर नहीं. और करते हैं इसे पूरा कंप्लीट. और अगर कम पड़ेगा फिर तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते हम लोग. इसी समय मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं करी थी. तो चलो तुम भी देखो.
अरे गाइस यहाँ मेरे को भाई तीर कौन मार रहा है भाई, कौन है भाई, स्केलेटन कहीं के तू बहुत ज़्यादा पिटेगा। अरे भाई साहब भाई यहाँ तो खूब सारे प्लेजे और क्रीपर भी आ रहा है, और भाई यहाँ तो मेरा गेम ही एंड हो गया। पर कोई नहीं, मेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो फटाफट से यहाँ सोते हैं। यहाँ नहीं सो पाया तो फटाफट से बेड लेके कहीं भगता हूँ और फिर सोता हूँ भाई, क्योंकि अरे बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाले हैं मेरे को। पर कोई नहीं, इनको मैं हरा दूंगा जैसे तैसे करके। तो गाइस यार देखो, फाइनली मैंने उन्हें मार दिया भाई बड़ी मुश्किल से, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया इन्हें मारने में। और गाइस लो इसी बात पे तुम लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे इंस्टा पे जाके मेरे को फॉलो करो, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में। और बाकी यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, आज की वीडियो आई होप तुम लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज हमने खूब सारा काम करा भाई, माइनिंग वगैरह वगैरह, और भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वैसे बनाने में। तो मैं शायद 10 या 11 मिनट की वीडियो मिली होगी, पर यार मैंने बहुत ही देर तक खेला इसे, तब जाके सारा काम हुआ। और बाकी यार तुम लोग बताओ कि मुझे वीडियो कितनी लंबी बनानी चाहिए, और मेरे को कौन से गेम्स नए नए खेलने चाहिए जो कि तुम लोग चाहते हो बता देना। और बाकी यार सबके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, और मिलूंगा तुम सबको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।